हे गाइस व्हाट्सअप, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो 1 to 10th और एक 11th और 12th। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 to 10th तक की क्लासेस को लेकर। एक मीडियोकर सी क्लास ले लो जैसे 8th, 8th में हम ऐसे भी नहीं होते कि हमें सब आता है जैसे 10th में होते हैं, और बहुत छोटे भी नहीं होते। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये मुझे नहीं पता सिर्फ मेरे स्कूल में होता था या आपके भी, कि अक्सर जब टीचर्स का सिलेबस टाइम पर ख़त्म नहीं होता था तब वो गेम्स पीरियड या जो बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस, इनके पीरियड्स ले लिया करते थे टू कम्प्लीट देयर सिलेबस, क्योंकि इंडिया में पढ़ाई ग्रेटर देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। अगर आपको ये नहीं पता कि एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं देन यू आर कम्प्लीटली फाइन, बट अगर आपको ये नहीं पता कि अजंता केव्स कहाँ हैं देन यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट। आपने क्या पढ़ाई की अपने स्कूल में? ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, कहने का मतलब है कि अगर मेरा कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मुझे वो 10th तक पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर मेरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। मेरे स्कूल में तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, सारी नहीं बट ज़्यादातर, गेम्स पीरियड में कुछ नहीं खेलती थी, साइड पर बैठकर अपनी बातें करती रहती थी, बट दैट वॉज एक्सेप्टेबल क्योंकि वो तो गेम्स पीरियड है ना, जो मन आए वो करो। अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसे फोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं वो खेलने के लिए, बट अगर किसी को बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम उसे फोर्स करेंगे क्लास में अटेंशन देने के लिए, उसके एग्जाम भी लेंगे और कम मार्क्स आने पर उसे डांटेंगे भी, क्योंकि इंडिया में पढ़ाई ग्रेटर देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। कई स्कूल्स में, थैंकफुली मेरे नहीं बट कई स्कूल्स में होता है कि आपके सेक्शंस और रोल नंबर्स भी आपके अकेडमिक्स के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, मतलब आपके पिछली क्लास में जितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे आपके सेक्शंस डिफाइड होंगे, जैसे ये बेस्ट सेक्शन, ये सेकंड बेस्ट, ऐसे, और आपके रोल नंबर्स भी आपके मार्क्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसाइड होंगे। ये चीज़ थैंकफुली मेरे स्कूल में तो नहीं होती बट बहुत सारे स्कूल्स में होती है। अब जो बच्चा अकेडमिक्स में अच्छा है उसे तो इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब मैं दो टीचर्स लूं, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का, और उन दोनों को कहूं कि आपका टेस्ट होगा इंग्लिश का और जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे उसकी सैलरी ज्यादा और दूसरे की कम। अब इंग्लिश वाले टीचर को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो मैथ्स वाला है वो तो बोलेगा ना कि ये क्या क्राइटेरिया हुआ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके बेसिस पे टेस्ट ले लो। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। अब एक एवरेज बच्चा है और एक इंटेलिजेंट। एवरेज वाला बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और दूसरा नहीं है। अब एवरेज वाला बच्चा तो बोलेगा ना कि अकेडमिक्स ही क्यों, स्पोर्ट्स का टेस्ट ले लो, बट नहीं, हम तो अकेडमिक्स ही लेंगे क्योंकि इंडिया में पढ़ाई ग्रेटर देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड। अब ये चीज़ें तो ऑब्वियस हैं कि इंडियन स्कूल्स फोकस ऑन रोट लर्निंग, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको खुद देखना होगा कि आपने आगे क्या करना है, स्कूल उसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। स्कूल्स अक्सर फोकस करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है जैसे साइंस लैब में जाना, कंप्यूटर लैब वगैरह, वो चीज़ें मिनिमल होती हैं। ये तो बात थी 1 to 10th तक की क्लासेस को लेकर, 11th और 12th के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @RN_bhalla57 पर। थैंक यू। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा, ये इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना पीआर टीम के अपना रेले न्यूज़पेपर पे।